हेलो एंड वेलकम टू कॉकटेल कुकिंग। आज हम बनाएंगे सिंपल एंड चीजी गार्लिक ब्रेड विथ ग्रिल्ड चीज सैंडविच, वो भी विदाउट अवन। ये गार्लिक ब्रेड रेसिपी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये इजी चीजी गार्लिक ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए 8 ब्रेड स्लाइसेस, 8 बड़े चम्मच मस्का, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन, 2 बड़े चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 कप चीज। तो चलिए अब जल्दी से इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्याली में 8 बड़े चम्मच यानी आधा कप जितना मेल्टेड बटर ले लेंगे। बस आप ध्यान रखें, बटर जो है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना कि फ्रोजन। लहसुन को हम बिल्कुल इसी तरीके से चीज ग्रेटर से जल्दी से ग्रेट कर लेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप लहसुन को एक बार मिक्सर ग्राइंडर में बिना पानी ऐड किए भी घुमा सकते हैं। अब ये लहसुन को हमें 1 टीस्पून जितना मेल्टेड बटर में मिला देना है। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून जितनी चिल्ली फ्लेक्स। घर पे चिल्ली फ्लेक्स बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। सूखी लाल मिर्ची को आप थोड़ा सा तवे पे रोस्ट करके उसको 1 से 2 बार दर दरअसल से ग्राइंड कर लें और आपका घर में ही चिल्ली फ्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा। सारी चीजों को हम बहुत अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से मिला लेंगे। ये हमारा गार्लिक बटर बनकर तैयार है। अगर आपको इसमें थोड़ा और इटालियन टच देना है तो आप 1 चुटकी जितना हाथों से क्रश करके ऑरेगानोस में डाल दें। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसमें जरूर डालें, इससे टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारा गार्लिक ब्रेड के लिए बटर बनकर तैयार है। अब हम एक साइड पे ब्रेड की इसे लगा देंगे, बिल्कुल इसी तरह ब्रेड के कॉर्नर्स पे ध्यान देते हुए आप अच्छी तरीके से पूरा बटर उस पे स्प्रेड कर दें जो हमने बनाया है। एक सैंडविच बनाने के लिए हमें 2 ब्रेड लगेगी, लेकिन अगर आप सिंपल गार्लिक ब्रेड खाना चाहते हैं तो आप यही बटर को दोनों साइड ब्रेड के लगा लें। आपका सिंपल गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार हो जाएगा। जिस साइड हमने बटर लगाया है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर से हम डालेंगे ये चीज ग्रेट की हुई। मैंने यहाँ पिज्जा चीज इस्तेमाल की है, आप चाहें तो चेडर, मोजरेला, अमेरिकन स्लाइस, कोई सी भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें इसमें जितनी भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1/4 कप जितनी चीज इस्तेमाल की है। चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से फैलाते हुए ब्रेड पे डाल दें, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर दूसरी ब्रेड की स्लाइस को आप ऊपर से रख दें। बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे सैंडविचेस बना के तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ सिर्फ चीज की फिलिंग रखी है सैंडविच के अंदर। आप चाहें तो आप चीज के ऊपर चॉप्ड शिमला मिर्ची, चौपासले या स्वीट बेबी कॉर्न्स भी डाल सकते हैं। अब करना कुछ नहीं है, इन्हें ग्रिल करना है। मैंने यहाँ पैन का इस्तेमाल किया है ग्रिल करने के लिए। बिना कोई पैन में ऑयल वगैरह ऐड किए हम सिर्फ इसे रख देंगे एक साइड से पकने के लिए, ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे। कुछ ही सेकंड्स में ये एक साइड से गोल्डन हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, तो आपको उसको रख के छोड़ना नहीं है। जैसे ये एक साइड से गोल्डन हो जाए आप उसे दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरीके से पका लें। बस अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें और ये सिंपल डिलीशियस चीजी टेस्टी सैंडविच का मजा लें। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया रेसिपी है, तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करें और ये वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी ज्यादा मजेदार डिलीशियस टेस्टी होममेड ट्रेडिशनल रेसिपीज के लिए इस चैनल कॉकटेल कुकिंग को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी याद से प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। खाइए, खिलाइए, दुआओं में याद रखिए।